और अब खबर लखनऊ से है। बड़ी खबर ये कि लोकसभा चुनाव के लिए एसपी की नई लिस्ट जारी हुई है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव एसपी उम्मीदवार हैं। अखिलेश यादव के भतीजे हैं तेज प्रताप। बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कन्नौज से तेज प्रताप यादव एसपी उम्मीदवार है। इसके अलावा ये भी बता दें आपको, अखिलेश यादव के पारिवारिक है यानी भतीजे हैं। बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए एसपी की नई लिस्ट जो है वो जारी हो गई है। कन्नौज से तेज प्रताप यादव को एसपी उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव के भतीजे भी तेज प्रताप यादव हैं। बलिया की अगर बात की जाए तो सनातन पांडे को यहां पर से उम्मीदवारी दी गई है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों की घोषणा और की गई है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल का हम सीधे रुख कर लेते हैं। विशाल, बताया जा रहा है लोकसभा चुनाव के लिए एसपी की नई लिस्ट जारी हुई है और तेज प्रताप यादव को कन्नौज से टिकट मिला है, जबकि ये भी बताया जा रहा है कि बलिया से सनातन पांडे को उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए बिल्कुल, सपा ने दो प्रत्याशियों की सूची जारी की है जिसमें बलिया से सनातन पांडे को टिकट दिया गया है। हालांकि सनातन पांडे की अगर हम बात करते हैं तो 2019 में भी सपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे और सपा और बसपा गठबंधन में उनको करीब 4.5 लाख वोट मिले थे। इस बार भी सनातन पांडे पर सपा ने भरोसा जताया। हालांकि वहां से अंबिका चौधरी के साथ तमाम और भी जो नेता थे वो वहां पर जो दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अब जो है सनातन पांडे को सपा ने उम्मीदवार बनाया। इसके साथ साथ कन्नौज से तेज प्रताप यादव, जैसा कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने पहले ही खबर बताई थी कि कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे तेज प्रताप यादव, और अखिलेश यादव इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं से भी प्रत्याशी नहीं होंगे। तो फिलहाल उस खबर पर मोहर लगी है, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और तेज प्रताप यादव परिवार के एक और सदस्य को टिकट दिया गया है कन्नौज से। और अब सुब्रत पाठक के ठीक सामने तेज प्रताप यादव जो है वो चुनाव लड़ेंगे कन्नौज से, और फिलहाल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं हुआ कि बिल्कुल। विशाल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ और ये बता दें इस वक्त एसएन साहब भी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ चुके हैं। एसएन साहब, नई लिस्ट सामने आई है जिसमें कन्नौज से तेज प्रताप यादव को एसपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। परिवारवाद का आरोप आप हमेशा लगाते हैं और अब तेज प्रताप यादव जो कि उन्हीं के परिवार से आते हैं उनको एसपी ने कन्नौज से उम्मीदवार बनाया है। देखिए दिव्या जी, लिस्ट नहीं हो सकती है, लेकिन धंधा तो वही पुराना है। चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, सत्ता में रहेंगे तो 28-28 लोग, मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद, जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर प्रधान तक परिवार के ही होंगे। अरे भाई, जिस पार्टी का कार्य ही है केवल परिवार का विकास, परिवार के लिए कार्य, परिवार को आगे बढ़ाना, आज यादव समाज भी क्यों इनका साथ छोड़ा? इसीलिए तो छोड़ा कि नाम के लास्ट में यादव लिखते थे लेकिन करते सिर्फ अपने लिए थे। मुस्लिम समाज क्यों साथ छोड़ा? क्योंकि हर बुरे वक्त में मुस्लिम समाज खड़ा रहा। MY फैक्टर बनाते तो रहे लेकिन कार्य परिवार के लिए किए। इसीलिए सब लोग कहते हैं यही परिवारवाद है। परिवारवाद मतलब जो परिवार के लिए ही, परिवार के विकास के लिए ही, और परिवार के, अरे धन्य कहिए चुनाव आयोग का। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास लौट रही हूँ। अमित जमई साहब भी इस वक्त समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। अमित साहब, तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है और बीजेपी लगातार ये आरोप लगाती है परिवारवाद जो है समाजवादी शुरू से करती है, अपनों को ही टिकट मिलता है, यादवों को ही टिकट मिलता है, और अब SN साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। SN साहब भी कह रहे हैं कि ये तो पहले से चलित आ रहा है समाजवादी पार्टी में। देखिए SN सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी ये तय कर ले, अखिलेश जी ने तो कई बार बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी परिवार को टिकट नहीं देगी और ना जो परिवार के लोग हैं उनसे वोट लेगी। इनका कोई जवाब नहीं आता है। लेकिन आज हमारा टिकट हुआ, हम कह रहे हैं आपको एक टिकट पे क्यों चर्चा कर रहे हैं? सनातन जी का आप नाम क्यों नहीं ले रहे हैं जो बलिया में भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है? तेज प्रताप जी बहुत ही यंग है, प्रोग्रेसिव सोशलिस्ट जैन के नेता हैं और कन्नौज एक बहुत ही सोशलिस्ट विरासत की सीट है। भारी मतों से जीतेंगे। परिवारवाद की बहस हम कह रहे हैं एक घंटा आप अलग से कर लीजिए, लेकिन पहले चरण में प्रधानमंत्री जी की जो भाषा बिगड़ रही है, क्या SN सिंह बताएंगे कि भाषा क्यों बिगड़ रही है? क्योंकि पहले चरण में देश की जनता, युवा, बेरोजगार, बेरोजगारी के सवाल पर, गरीबी के सवाल पे प्राइम मिनिस्टर को नकार दिया। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार का चेहरा बन चुका है इस देश का, सबसे क्रूर भ्रष्टाचार का चेहरा। बॉन्ड पे पूछिए 6,000 करोड़ रुपए कहां से घटक गए। अमित जमाई साहब, आपके सवाल मैं SN साहब से ले लेती हूं। SN साहब बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए। SN साहब, तमाम सवाल जो है अमित जमाई साहब कह रहे हैं, और समाजवादी पार्टी या NDA गठबंधन कॉन्फ्रेंस कह लीजिए, पहले चरण के जो चुनाव है उससे बड़ा हुआ नजर आ रहा है।
दिव्या जी देखिए, जो दिल में रहता है वो जुबान पे आ ही जाता है। जमाई साहब कितना भी बचाए लेकिन वो जुबान पर आ ही गया कि सिर्फ मुलायम कुनवे में, सिर्फ अखिलेश कुनवे में ही योग्य लोग हैं, बाकी भाई समाजवादी पार्टी में कोई योग्य नहीं है जिसको टिकट दिया जा सके। इस नाते उस योग्य व्यक्ति को चयन किया जा रहा है, बार बार वो कुनवे में ही वो व्यक्ति पैदा हो रहा है। योग्यता जो है समाजवादी पार्टी की वो सिर्फ परिवार में है। रही बात भ्रष्टाचार की, अरे भाई यादव सिंह जी के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? गायत्री प्रजापत जो स्वयं कहते हैं कि 300 रुपया कमाता हूँ, 3000 करोड़ की संपत्ति कहाँ हो गई? अरे सारा मूल्यांकन जनता ने किया है कि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही सिर्फ हाहाकार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और दुराचार हुआ और तो कुछ हुआ नहीं। पर मैं तो, हम तो एक विपक्षी पार्टी हैं। आप चुनाव हार रहे हो जमाई साहब, जनता ने आपको इसी नाते नकारा। परिवारवादी पार्टी, जातिवादी पार्टी, क्षेत्रवादी पार्टी, धर्मवादी पार्टी, तुष्टिकरण वाली पार्टी, ये सारा नाम किसका है? गूगल में भी डालिए तो अमित साहब, एक लंबी फेरिस्त जो आरोप की वो लगा दी गई है आपके ऊपर। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता आ रहा है लगातार, मैं आपके पास ही आ रही हूं, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि बार बार आप कैंडिडेट्स भी चेंज कर रहे हैं, जिससे बीजेपी कह रही है कि कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर अंदरूनी कुछ दिक्कतें चल रही है जिसके चलते आप लोगों को कैंडिडेट भी बार बार चेंज करने पड़ रहे हैं। देखिए, हमने सवाल पूछा, अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री नहीं है कि एस एन सिंह से सवाल पूछेंगे? प्रधानमंत्री इनके हैं, हम सवाल पूछ रहे हैं, आप जवाब हमें नहीं दे रहे हो। हम कह रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा जी जौनपुर से आए हैं, जौनपुर से आपका लोकसभा में इंतजाम हमने कर दिया है, जहां पे भी सीटें हो रही हैं, चाहे वो अति पिछड़ा समाज हो, बैकवर्ड हो, जो पीजीए की रणनीति आदरणीय अखिलेश जी ने अपनाई थी उसी पर देश में चुनाव हो रहा है, वही एजेंडे सेट हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, एस एन सिंह जी आप जवाब जरूर दीजिएगा, उत्तर प्रदेश की जितनी यूनिवर्सिटियां हैं एक जाति का वाइस चांसलर, उत्तर प्रदेश में जितने भी डीएम कप्तान हैं एक जाति का डीएम कप्तान, अरे यहां तक तो छोड़िए आरएसएस में एक जाति का आज कब्जा है। ब्राह्मण समाज पूरे प्रदेश में अपने आप को फुटपाथ पर खड़ा कर दिया लाके इनको, इन लोगों ने। तो इसका जवाब कोई, हम जब पूछते हैं सदन में अखिलेश यादव जी पूछते हैं, टेलीविजन पे हमारे समाजवादी प्रवक्ता पूछते हैं, आप जवाब नहीं देते हो।